السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الامين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المخلصين وجميع الاولياء والصالحين وعلينا معهم اجمعين اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم فقال الله سبحانه وتعالى الى مقام اخر ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم आसरा जब तक न लोगे औलिया अल्लाह का सख्त मुश्किल है पता मिलना रसूलुल्लाह का होकर फना औलिया में अपने को देखना होती है इस तरह भी ज़ियारत रसूल की। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामईन मोहतरम बज़्मे तुलबाए क़दीम व मुहिब्बाने शेखुल इस्लाम बानी जामे निज़ामिया जद्दा के ज़ेर एहतमाम जो तज़किरे औलिया के उनवान से हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूबीन मुकर्रबीन औलिया व सालिहीन के मुबारक ज़िंदगियों के मुख्तसर हालात आपके सामने रखे जा रहे हैं सिलसिलेवार। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन आज हम जिस शख्सियत के मुतालिक गुफ्तगू फरमा रहे हैं वो शख्सियत जो कि तारुफ़ मोहताज नहीं है दुनियाए इल्म में तक़वा व तहारत में ज़ुहद व वरा में एक बहुत बड़ा नाम जो अहले सुन्नत व जमात के अंदर जिनका नाम नामी हज़रत शाह अब्दुल हक़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह तआला का नाम मुबारक है। हज़रत शाह अब्दुल हक़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह तआला वो मुबारक शख्सियत हैं कि जिनके ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने इशात दीन का काम और लोगों के नफूस के तस्किया का काम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनसे लिया। यानि लाखों लोग जो तलबाए इल्म हैं तालिब इल्म हैं और जो तिश्नगान इल्म हैं जो इल्म के तलबगार थे हज़रत शाह अब्दुल हक़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि तआला की मजलिस में हाजिर होते हज़ारों लाखों लोग जो है उलूम ज़ाहिरी से आरास्ता होते और जो लोग अपने क़ुलूब के तस्किये के लिए अपने जो है कल्ब की बातिन की इसलाह के लिए आपकी बारगाह में हाजिर होते तो आप उनके नफूस का भी तस्किया फरमाते। आइए मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामईन मोहतरम हज़रत सदरुश्शुयूख सैयद शाह ताहिर रज़वी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान अपनी किताब मक़ाला के ताहिर में एक रिवायत को आपने नकल फरमाया हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के इरशाद गिरामी हैं मन सरकार ने इरशाद फरमाया कि मन आश अली ज़ाहिरन के जिसने मेरे ज़ाहिर पर अमल किया तो वो आलिम हुआ और मन आश अली बातिनन अकाल सल्ला ने फरमाया जिसने मेरे ज़ाहिर पर अमल किया वो आलिम हुआ और जिसने मेरे बातिन पर अमल किया वो सूफ़ी हुआ। तो हज़रत शाह अब्दुल हक़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की वो मुबारक ज़ात है कि जिनके अंदर उलूम ज़ाहिर भी रख दिया गया और जिनके अंदर उलूम बातिन भी रख दिया गया। तो जहाँ पर एक तबका जो है तलबा का जो आपसे उलूम ज़ाहिर को भी हासिल करता और कुछ लोग वो होते जो उलूम बातिन के तलबगार होते तो शाह अब्दुल हक़ मुहद्दिस दहलवी की मजलिस को इख्तियार करते जहाँ पर उनके क़ुलूब का भी तस्किया किया जाता। तो अहले सुन्नत के अंदर एक बहुत बड़ा नाम हज़रत शाह अब्दुल हक़ मुहद्दिस दहलवी का। इसी के साथ साथ एक ख़ास बात आपके सामने रखता चलूँ कि हिंदुस्तान के अंदर जो हदीस की गिरा कदर खिदमात करने वाले और हदीस का इंट्रोडक्शन करने वाले हदीस का तारुफ करने वाले और हदीस को आम करने वाले और इस हदीस के मुतालिक जो गिरा कदर खिदमात हैं जिनमें हज़रत शाह अब्दुल हक़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि तआला का नाम सर फहरिस्त होता है वो आप हैं कि जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर हदीस के इल्म को आपने फ़रोग दिया और हदीस के लिए आपने गिरा कदर खिदमात को सर अंजाम अता फरमाए। आइए मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामईन मोहतरम हज़रत शाह अब्दुल हक़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपने जो है आपकी जो विलादत बसादत है 958 हिजरी में आप दिल्ली में के अंदर आपकी विलादत बसादत हुई। वालिद गिरामी का नाम जो है हज़रत सैफुद्दीन था और वालिद गिरामी के पास खुद यानी आपके वालिद गिरामी खुद एक बहुत बड़े आलिम दीन थे। यहाँ पर जो है बताना मकसूद ये है कि हज़रत शाह अब्दुल हक़ मुहद्दिस दहलवी के वालिद भी जो है ना एक बहुत बड़े आलिम दीन थे। तो आपकी जो तालीम का आगाज़ हुआ है वो हज़रत शाह अब्दुल हक़ मुहद्दिस दहलवी के वालिद यानी शाह अब्दुल हक़ मुहद्दिस दहलवी ने अपने वालिद गिरामी के पास ही आपने जो है ना उलूम ज़ाहिर की तालीम का आगाज़ फरमाया।
आपके वालिद के मुतालिक सीरत में ये बात लिखी गई है, हजरत सैफुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह वो अजीम उल मर्तबा शख्सियत है, जहां पर उलूम जाहिर में भी एक नुमाया मुकाम आपको हासिल था, वहीं पर जो है उलूम बातिन के भी आप बहुत बड़े इमाम थे, बहुत बड़े जो है ना बुजुर्ग सूफी थे और बहुत बड़े आरिफ थे आप उलूम बातिन के अंदर भी, यानी जाहिर और बातिन के एतबार से आपके वालिद गिरामी शख्सियत बहुत ही जो है मशहूर और मारूफ थी कि लोग कहते थे कि आपके वालिद उलूम जाहिर के भी इमाम है और उलूम बातिन के भी इमाम है। तो हजरत शाह अब्दुल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने अपने वालिद गिरामी के पास ही अपनी जाहिरी तालीम का उलूम जाहिरी का अपने आगाज फरमाया और तकरीबन तीन माह के अंदर जो है आपने नाज़िरा कुरान मजीद को जो है कवायद के साथ तजवीद के साथ आपने जो है ना मुकम्मल फरमाया। 18 साल की उम्र में हजरत शाह अब्दुल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला ने जुमला उलूम व फ़नून को आपने हासिल फरमा लिया। सुभान अल्लाह, अंदाजा कीजिए कि उलूम जाहिर एक 18 साल की उम्र के अंदर ही हजरत शाह अब्दुल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने वो तमाम उलूम जाहिर की जितनी सारी किताबें थी आपने जो है ना बड़े बड़े अजिल्ला उलमा खुद अपने वालिद गिरामी के पास, इसके अलावा बड़े अजिल्ला उलमा की आप सोहबत अख्तियार करते हुए 18 साल की उम्र में इन्हें आपने उलूम जाहिर को मुकम्मल फरमाया उलूम जाहिर को। और आपकी जिंदगी को अगर देखा जाए तो आपने जो है हिजाज का भी सफ़र किया, यानी हरमैन शरीफैन का सरजमीन जो है ना अरब का भी जो है आपने वहाँ पर आपने सफ़र किया, और सबसे पहले जो है आपने उलूम जाहिर की तकमील के बाद अपने वालिद गिरामी के पास ही जिनके पास जिनका नामी हजरत सैफुद्दीन था, तो आपने अपने वालिद के पास ही उलूम जाहिर की तकमील के बाद उलूम बातिन का आगाज भी जो है ना आपने अपने वालिद से किया और आप अपने वालिद के पास ही उलूम बातिन की तालीम को जो है आपने हासिल किया और अपने वालिद के आपने जो है ना निस्बत को आपने हासिल फरमाई, यानी उलूम बातिन के अंदर यानी तालीमात वगैरह भी और मुरीदी वगैरह भी निस्बत भी जो है आपको अपने वालिद गिरामी से सबसे पहले रही। उसके बाद आपने अपने उलूम के वालिद गिरामी के पास उलूम बातिन के हुसूल के बाद आपने क्या किया, हिजाज का जब आपने सफर फरमाया हरमैन शरीफैन आप तशरीफ ले गए, वहां पर बहुत बड़े आलिम दीन के साथ साथ बहुत बड़े बुजुर्ग और साहिब विलायत और अल्लाह तबारक व तआला के महबूबीन में जिनका शुमार होता था, जिनका नाम नामी हजरत शेख अब्दुल वहाब मुत्तकी रहमतुल्लाह तआला अलैह, तो आप जो है ना शाह अब्दुल मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला जब हिजाज पहुंचे हरमैन शरीफैन का आपने जब सफर का मामला तय फरमाया, जब आप वहां पर पहुंचे हिजाज पहुंचने के बाद वहां पर शेख अब्दुल वहाब मुत्तकी रहमतुल्लाह तआला की सोहबत आपको मिल गई, आप वहीं पर ही रहना शुरू फरमाए उनकी सोहबत में, और शेख अब्दुल वहाब मुत्तकी रहमतुल्लाह तआला की जब सोहबत आपने इख्तियार फरमाई तो उलूम जाहिरी और उलूम बातिनी से भी आरास्ता होते चले गए। जाहिरी उलूम भी आपको शेख अब्दुल वहाब मुत्तकी से आप लेते और उलूम बातिन को भी आप उनसे जो है ना उलूम बातिन भी हजरत शेख अब्दुल वहाब मुत्तकी रहमतुल्लाह तआला से आपने दिया। शाह अब्दुल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला पर ऐसा असर शेख अब्दुल वहाब मुत्तकी रहमतुल्लाह तआला की सोहबत से हुआ, ऐसा असर आप पर हुआ कि हरम शरीफ के यानी खाने काबा जो हरम शरीफ है उसके बाजू एक हुजरा था, उस हुजरे में बैठकर आप जो है ना रियाजत के लिए बैठ गए उस वक्त, यानी देखिए अल्लाह वालों की सोहबत का असर कैसा होता। शेख अब्दुल वहाब मुत्तकी की जब सोहबत मिली उलूम जाहिर उलूम बातिन हासिल करते करते ऐसा असर आप पर हुआ कि हरम शरीफ के बाजू हुजरे के अंदर आप जो है ना तन्हाई अख्तियार की खिलवत नशीनी अख्तियार की रियाजत के लिए आप बैठ गए, तो वहां पर कई दिनों तक आप उसी हुजरे के अंदर रहे और रियाजत मुजाहिदा फरमाया। उसके बाद आपने जो है ना हरमैन शरीफैन से जो है वापस पलटकर आप हिंदुस्तान की तरफ तशरीफ लाए, तो उसके बाद में जो है आपके मैंने पीराने उज़ाम के तालुक से मैंने बात की कि आपके वालिद शेख सैफुद्दीन रहमतुल्लाह तआला आपके पीराने उज़ाम में हैं और हजरत के शेख अब्दुल वहाब मुत्तकी रहमतुल्लाह तआला अलैह ये आपके पीराने उज़ाम में से हैं और जहाँ से आपने जो है ना मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर हरमैन शरीफैन के अंदर जो है सिलसिले कादरिया से सिलसिले चिश्तिया से और सिलसिले शाजिलिया में जो है ना आपको इन तमाम तीनों सलासिल के अंदर भी आप यानी कादरियत के अंदर भी चिश्तियत के अंदर भी शाजिलियत के अंदर भी ये तीनों सलासिल से हजरत शाह अब्दुल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह को नस्बत और खिलाफत आपको हासिल रही, यानी इजाजत की खिलाफत भी आपको हासिल रही तीनों सलासिल से आपको जो है इधर आपको हरमैन शरीफैन से वापस जो पलट के आए दहली के अंदर। ये बात बड़ी खास तवज्जो तलब है कि हजरत शाह अब्दुल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने हरमैन शरीफैन में ये तीनों सलासिल से नस्बत और खिलाफत आपको मिल गई। उसके बाद जब हिंदुस्तान पलट के वापस आए तो उस वक्त दहली के अंदर हजरत ख्वाजा रज़ीउद्दीन बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह तआला अलैह का जब वहाँ पर शहरा था आपका नाम था, तो हजरत शाह अब्दुल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह वहाँ पर जब तशरीफ लाए और वहाँ जब तशरीफ लाने के बाद हुजूर महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी पीर लासानी
शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह तआला की एक मरतबा ख्वाब में आपको ज्यारत हुई, ख्वाब में आपको ज्यारत हुई। आपका जो पूरा जो ताल्लुक था, गहरा जो आपका ताल्लुक था सिलसिले के एतबार से, रूहानी एतबार से कादरियत की तरफ आपकी ज्यादा तवज्जो थी, ज्यादा मोहब्बत आपको सिलसिले की तरफ थी। तो हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह की मर्तबा, यानी हजरत शेख अब्दुल मुहद्दिस दहलवी ने ख्वाब में देखा, हजरत गौसे आजम पीराने पीर आपको हुक्म दे रहे हैं कि जाओ हजरत ख्वाजा रज़ीउद्दीन बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह तआला अलैह के दस्ते अकबर आप बैत करो। तो हजरत शेख अब्दुल मुहद्दिस दहलवी ने पीराने पीर गौसे आजम के हुक्म से हजरत ख्वाजा रज़ीउद्दीन बाकी बिल्ला की सोबत में आप तशरीफ ले गए, और वहां जाने के बाद आपने जो है ना खिदमत में हाजिर हुए, वहां पर बैत की, और हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह तआला अलैह ने आपको हजरत शाह अब्दुल मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह को आपको जो है ना खिलाफत भी दी, यानी नेमत से सरफराज फरमाया। तो हजरत शाह अब्दुल मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह को कादरियत से, चिश्तियत से, शाजिरिया से, और जो है आपको नक्शबंदिया से भी निस्बत भी रही, और आपको इजाजत और खिलाफत भी आपको हासिल रही। आपकी वफात मुबारक जो है 21 रबीउल अव्वल 1052 हिजरी 94 साल की उम्र में आपका विसाल मुबारक हुआ। आपकी गिरा कदर खिदमात में जो आपने बाकियात सालियात जो छोड़कर गए, उनमें जो है हदीस की सबसे बड़ी किताब जो आपने शरह की है वो है मिश्कातुल मसाबी की शरह है अशातुल लमात, और आपने और एक किताब लमात के नाम से, दूसरी तीसरी किताब अखबारुल अखियार के नाम से, इसके अलावा कई कुतुब आपने जो है ना जज़्बुल क़ुलूब इला दियार महबूब आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के शहर मदीने पाक की अजमत और उसकी हुरमत के मुतालिक जो है ना एक बहुत बड़ी किताब जो शाखान रसूल के लिए जज़्बुल क़ुलूब इला दियार महबूब, इसके अलावा बहुत सारी किताबें आपने तसनीफ़ तालीफ़ फरमाई, और आपकी जो खिदमात हैं अहले सुन्नत के लिए, दीन इस्लाम के लिए बड़े गिरा कदर खिदमात है। रब्बुल आलमीन के बारगाह में दस बदुआ हुए आलमीन हम सबको तेरे महबूबीन से मोहब्बत करने और उनकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।